गरम चाय की प्याली हो फिर उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। ये लीजिए बेगम, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जायकेदार, इज्जतदार, मजेदार चाय का प्याला। एक प्याली चाय पी लो और गुस्सा थूक दो, मगर गुस्सा पूरा नहीं थूकना, आधा थूकना। वो कैकू बोले तो आप गुस्से में बहुत खूबसूरत दिखते बेगम। चुप बैठो, झूठी तारीफ नहीं सुनना मेरे को, सब मालूम। आपको कुछ भी नहीं मालूम बेगम, आपको मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं घर का एक काम नहीं करता, मगर बोले आप मेरे को आज सर में दर्द हो रहा, चाय बना के लाओ बोल तो एक मिनट में बेहतरीन चाय बना के लाया नहीं लाया मैं। लेकिन मैं ये चाय नहीं पीती। मगर एक बात याद रख लो बेगम, आज सर में दर्द हो रहा बोल के मेरे से ये चाय बनाने लगा दिए तुम। कल के दिन मेरे हाथों में दर्द हो रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जरा कपड़े धो दो, आज जरा बर्तन साफ कर दो, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। मैं क्या करी जी? मैं क्या करी? अरे क्या नहीं करे ये बोलो तुम। मेरे फोन में के पूरे वीडियोस, फोटोस, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया उड़ा दिए, मेरा पूरा डाटा डिलीट करके छोड़ दिए तुम। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मेरा फ्यूचर खराब कर दे रहे तुम। फ्यूचर खराब करी? कौन से अच्छे काम कर रहे तुम? तुम जो एरे गेरे बच्चों के साथ वीडियोस फोटोस लेते, कौन सी बीवी बर्दाश्त करती? ये सब तमाशा मैंने बर्दाश्त करती हूँ। बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त करना पड़ता। अरे अरे से क्या मतलब? वो मेरे साथ के आर्टिस्ट ना है, मेरे को आर्टिस्ट ना है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, उनके साथ वीडियोस बनाता हूँ, उनके साथ रील्स बनाता हूँ, उनके साथ काम करना पड़ता, वो मेरा प्रोफेशन है, एक्टिंग है, वो रियल नहीं होता, एक्टिंग है। सब मालूम तुम्हारे चक्करा। मेरे चक्करा मालूम है तुम्हारे को? शराफत से जिंदगी गुजार रहा हूँ, गुजारने दो। अगर मैं अपने वाली पे आ गया ना तो तुम्हारे से खूबसूरत लड़की से शादी करके बाहर रख सकता हूँ मैं, समझे? बाहर शादी करते, यहाँ पे एक साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे को मालूम। दूसरी रहने दो, तीसरी रहने दो, तुम्हारी हरकत देख के दो दिन में भाग जाती। देखो बेगम, मैं समझाता हूँ तुम्हारे को, ये मेरा प्रोफेशन है, ये एक्टिंग है, एक्टिंग। इसमें सब करना पड़ता, वीडियोस लेना पड़ता, फोटोस लेना पड़ता, गाना गाना पड़ता, ये सब ड्रामा है, कोई भी चीज स्क्रीन पे रियल नहीं है। बस एक बार मेरे को बड़े पर्दे पे आ जाने दो, उसके बाद देखो फिर हल्लू हल्लू हल्लू, तुम्हारे को भी आदत हो जाती। आदत आदत तो तुम बिगाड़े मेरी। शादी के शुरू शुरू में जरा शॉपिंग बोल तो शॉपिंग लेके जाते थे, जरा घूमेंगे बोल तो घुमाने लेके जाते थे, अब तो बिल्कुल बदल गए तुम। हो बदल गया, पूरा बदल गया। पहले पहले आपको बहुत अच्छा इंसान दिख रहा था, अब शैतान दिख रहा हूं मैं तुम्हारे को। जब तक तुम्हारी ले ले करते रहेंगे, तुम्हारे पीछे फिरते रहेंगे तो बहुत अच्छे, उसके बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए तो बदल गया, बदल गया, बदल। अरे हाओ जी, मैं कुछ भी बोली तो हाँ ठीक है, जाके अम्मी को पूछ के आ तुम, हर बात में अम्मी को पूछ के आ तुम। अगर अम्मी 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 करना था तो शादी कई को करे, वैसा रहता तो अम्मी का पल्लू पकड़ के रहना था, शादी नहीं करना। अरे हाओ जी, सौ बच्चे अम्मा का पल्लू पकड़ के बड़े होते, अब अम्मा का पल्लू नहीं पकड़ेंगे तो क्या तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे? इसी वास्ते तुम्हारे हरकत देख के हमारे अम्मी को पहले फोन करके बोल दी मैं। बोल दिए, बहुत अच्छा करे। इसके अलावा तुम्हारे को आता भी क्या अपने खुद के शोहर को बदनाम करने के अलावा? जाइए, नाम लेते हाजिर हो गए होंगे आपके मम्मी। हमारी अम्मी है। आपकी अम्मी जी? यूं ऐसे अचानक? अच्छा बुलाओ, सब खैरियत तो है ना? बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। सब है? और ऐसे अचानक आ गए आप? अचानक नहीं, जरा हमारे रिश्तेदारों के पास आई थी। अच्छा। वैसे चलो मिल लेके जाएंगे बेटी से, बोल के आ गए। वैसे भी आपका घर है, हमेशा कभी भी आप आ सकते हैं, उसमें क्या है। और माशाल्लाह से आपकी बेटी की जितनी भी तारीफ करो ना बहुत कम है, शिकायत का कोई मौका दिए तो बोलो आपकी बेटी। हाउ जी अम्मा, हम परवरिश कुछ ऐसी करे सो हमारी बच्ची की। परवरिश जी? ओहो, क्या परवरिश करेगी आप, क्या है कि नहीं मालूम। अगर इत्तेफाक से कोई मेहमान घर में आ गया ना, आपकी बेटी वो कमरे में से बाहर निकले तो बोलो,
पैरों में मेहंदी लगा के बैठे रहते हैं वो कमरे के अंदर हमेशा, और जब जाते हैं ना पूरे मेहमाना घर से बाहर तो तारीफ करके जाते हैं, क्या बोले जी अम्मा बोल के, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की इतनी मेहनत को पानी में डाल दी, लेके जाके पूरा मिट्टी में मिला दी, उसे कौन बोले थे जी मेरे बेटे का फोन ले लेके चेक करो बोल के, को एक्ट्रेसेस के साथ में जितने जनों के साथ में फोटो लेके था पूरे डिलीट कर दी बैठ के, पूरे रील्स डिलीट, पूरे फोटोज डिलीट, पूरी फेसबुक की डिलीट, पूरे मैसेज डिलीट, सब करके छोड़ दी, क्या मिला उसे अब बर्बाद करके मेरे बच्चे का फ्यूचर। क्या फ्यूचर से क्या कमा रहे थे आपके बेटे? ओहो अब आपको लाके ऐसा गट्ठी उंडल ना गला के तुम्हारे, मेरे को डालो हमारे को करो बोल के नहीं, कल ये सवाली को अच्छा देख ले तो अच्छी बात है ना। अब तुम्हारी बेटी को ना यहाँ पे रानी बना के रखे, रानी 12-12 बजे तक सोती तुम्हारी बेटी मालूम तुम्हारे को? मेरा मरद देखे तो जईब जी, उनकी उम्र हो के है, बीपी है, मेरे मरद को डॉक्टर बोल के टाइम पे नाश्ता करो टाइम पे खाना खाओ बोल के है, तुम्हारी बेटी एक दिन 12 बजे से पहले उठ के अब्बा लो नाश्ता करो, अम्मी लो नाश्ता करो बोल के टाइम पे ला के खाना दी, कभी नाश्ता दी? पूछो तुम्हारी बेटी को, चाय तक मैडम को लेके जाके मैडम लो चाय पियो बोल के मैं बोल रहा तुम्हारी बेटी को? ये सिखाए तुम क्या ही की? देखो आप ही बोल रहे। अरे पूछो तुम्हारी बेटी को बुला के, मेरी बात पे यकीन है ना, बुलाओ मेरे मरद को बुला के पूछो जी, मेरे शौहर की तो उम्र का लिहाज करना उन्हें। अरे एक मेरा मरद उम्र हो के है, उनकी फिक्र करने का ना को अब्बा बोल के उन्होंने सब पूरा ख्याल करते मेरा मरद रहे जी, तुम ख्याल के को नहीं करती बच्ची मेरी, क्या अरे पूछो मेरे मरद को एक दिन चाय बना के दी क्या? अरे क्या तुम्हें हो रहा है ये? वालेकुम सलाम, ये अचानक कैसा आना हो गया अम्मा? आनाच पड़ा भाई। क्यों क्या हो गया? अब देखिए। नहीं नहीं काय को इतना गर्मा गर्म बहस? गर्मा गर्म हाँ? मेरे सर पे कोई लाके गर्म गर्म उबल रहा है तो तेल डाल दिए जैसा हो रहा है। ऐसा नहीं जरा सबर करो ना, पहले समझना है तो अपना भी काम है। अरे भाई उन्होंने भी तो बच्ची की अम्मा है हाँ? जरा सबर से अपन बात करना। अजी इतनी इतनी बात को फोन करके इतना जल्दी बुला लेना। ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर अपना भी तो काम है ना कि क्या है क्या नहीं पूछना है नहीं? जी बिल्कुल भाई, शिकायत करके बुलाई नहीं बच्ची हाँ। और आपकी मिजाज कैसी है भाई? मैं मिजाज ठीक है, मेरी मिजाज का छोड़ो जी, जब से इनू क्या बोल रहे थे वो फना 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 होता भाई, हर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, हर घर का अपना एक वो होता समझे आप, उसूल होता, हमारा भी एक उसूल है चल रहा है हिसाब किताब से, उसके लिए अपन जो है देखो इनकी बच्ची को जब अपन करके लाए हैं तो अपना भी काम है कि बच्ची को अच्छी तरीके से देख लेना, उसका ख्याल करना, हाँ बच्चा भी ख्याल करना, आप हम तो कर रहे हैं बच्चा भी करना, इनका मकसद क्या है? जी भाई आप सही फरमा रहे, मैं यही बोलना चाह रही हूँ समदन जी को कि हाँ? मैं कोई शिकायत पे आई नहीं आप लोगों के पास, मैं बस ये बोलने के लिए आई कि आप समझा सकते हैं आपके बच्चे को हाँ? भाई मुझे ये बताइए हाँ? मेरी बेटी से आपको शिकायत है? नहीं शिकायत तो नहीं है, बात ऐसा जब करके लाए सही आ, बोलो जी। अरे भाई अब हर चीज खुलम खुला बच्ची की अम्मा के सामने बोल दिए तो अब अपन शादी करके ला लिए ना भाई, अब अपना काम है कि उसको एडजस्ट करना अपने माहौल के हिसाब से, उसको उठना बैठना बात करना तौर तरीके सिखाना अपना काम है। सही बोले हाँ? इनो इनकी बेटी को ना बिगाड़ने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। नहीं नहीं मेरा क्या मतलब है बेगम, अब आपसे भी शादी करा कभी बोला मैं, अब एडजस्ट करके चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, ख्याल नहीं करना समझो। मैं आपको मौका दीजिए कभी? नहीं कहाँ दिए, दुनिया देख रही है कौन मौका दे रही, कितने मौके मैं दे रहा हूँ, जब जब आपको ये हंगल बनना जरूरी है। अरे नहीं नहीं हमारे ललिता पवन दुनिया को मालूम है तुम कितने जबरदस्त बोलने वाले है बोल के, देखो मेरा मतलब क्या है भाई, किसी की भी बच्ची को आप करके लाए तो वो बच्ची को अच्छे तरीके से अपने घर के तौर तरीके सिखाना। अरे भाई एक बच्ची 20-22 साल तक अपने माँ बाप के घर में जिंदगी गुजार के आती, अब दूसरे घर में एडजस्ट करना पड़ता हमको अपने, और बच्ची का भी काम है हमारे घर के तौर तरीके, हमारे घर के अखलाक, हमारे घर का पकवान, जो पकवान की बात में सुन रहा था आप जो बोले बात सही है आपकी, वो भी है आपकी बच्ची जरा वो देर तक जरा नहीं आपकी बात दुरुस्त है, बस आप लोग बड़े हैं आप लोग समझाइए तो वो सीखेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरा भी यही बोलने का मतलब है, सब घर से तो सीख के नहीं आते, आने के बाद ही आपके घर का माहौल उसको समझने में टाइम लगता है। हाँ मगर मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चियों को भी शादी से पहले कुछ सिखाना तो ये आज ये बात पैदा नहीं होती थी,
तो मेरा मतलब भी वो है, हम लोग अभी नहीं चाह रहे। अब एक शादी करके लानी है, हमारी घर की बहू है तो हमारा भी काम है उसको सिखाना। सिखा रहे हैं कर रहे हैं। अब वो बोलने में जरा है, मगर ये मत समझो आपके दिल के बुरे नहीं है, दिल के बहुत अच्छे है, तभी तो मैं टिका हुआ हूँ, नहीं तो मैं रह सकता हूँ यहाँ पे। हंसो रखो जी, तुम्हारा बच्ची भी मेरी कभी आप लोगों की शिकायत नहीं करती, नहीं नहीं करती। तो उसको थोड़ी सी नाराजगी उसके शौहर से, छोटी छोटी बात को जैसे उन्होंने नजरअंदाज करके, ये जो फिल्मों के लाइन में ये फोटो ये इंस्टाग्राम क्या है, बोल रहा हूँ इससे क्या होने का है भाई, आप बोलिए। उससे दो पैसे घर को आने के है, बोल रहा हूँ माँ, मैं भी उसको समझा रहा हूँ। देख बेटा, ये जो है एक एक इतनी इतनी चीज उठा के जो है वो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे डाल देता, वो बोलते नहीं क्या बोलते वो नेकी कर दरिया में डाल बोल के है ना, तो इन्हें क्या कर रहा है, इतना इतना जरा कुछ वो कुछ खा रहा है हाँ। होटल को गया वहाँ की फोटो डाल देता, फलां चीज किससे भी मिला उनके साथ फोटो। तो ये चीजें काम आने वाले नहीं है, मैं भी समझा रहा हूँ जी, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, उसमें थोड़ी इनकी सपोर्ट भी है। जी चुप करो, अरे वो तो मेरा कमाल है, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं आज बॉलीवुड में रहती थी। वो तो हमारे किस्मत फूटे। देखो जी मेरे बेटे के बारे में ना, आप दोनों कुछ भी नको बोलो, नहीं बोलते मैं जो बोल रहा हूँ आप भी सुनो, अपना भी काम है अपन भी बच्चे को समझाना। और ये बात भी आप लिख के ले लो, आज आज की तारीफ ये गवाह है। क्या एक दिन मेरा बेटा ना ऐसा स्टार बनेगा, आपका ऐसा मुंह खुला रहेगा और इनके ऐसे दीदे फटे रहेंगे। आप ये मेरा बेटा है, ये हीरो जो है ना उन्हें मेरा बेटा है, अरे उन्हों मेरे दामाद है, और इनकी बेटी जो कम्प्लेन करी उन्हों वहां से भाग लेगी, मेरा शोहर है इतने बड़े स्टार है बोल के आप सब ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे भागेंगे। ख्यालों में भी नहीं हकीकत में मेरे बेटे को मैं बनाने वाली हूँ। जिम्मेदार शोहर बना के छोड़ो बोल के बोल रहे हैं जी, क्या अच्छी बात बोले हमारे समधन। और वाकई होना चाहिए, शादी कर देना किसी की बच्ची को, शादी करके ला लेना कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि वो बच्ची को लाके यहाँ निभाना, और बच्चे का भी काम है समझिया। अगर बच्ची एक हल्की सी मुस्कुराहट अगर दे दी ना, तो इनकी बच्ची दिल निकाल के रख देती। अगर इनकी बच्ची को तो क्या बोलते अपने थोड़ा सा अच्छा सा अनाज लाके दिए, बेहतरीन खाना बना के दे सकती। और इनकी वही बच्ची अगर हम लोग अच्छे तरीके से पेश आए तो, या अगर घर दिए तो वो घर को महल बना के रखते। बहरहाल ये शिकायत कर लेना, तेरे छांच मेरे बैगन ये कब तक जी, हर खानदान में हर घर के झगड़े हैं, इसको ख़त्म करना। अपन अपने बच्चों को भी सपोर्ट करो, आने वाली बहू वो बच्ची को भी सपोर्ट करो। आप ऐसा आपकी बहू का सपोर्ट करिए और इनो ऐसा आपकी बेटी को सपोर्ट करिए। आप जब आए ना तब आपकी बेटी चाय पानी लाने को गए, लेकिन अब तक आपकी बेटी चाय पानी नहीं लाए, शायद वो भी मेरे कुछ लाना पड़ेगा। आप बैठिए मैं लेके आती हूँ चाय। अरे चलो चलो, पापा बोले थे तो यही मखदूम ब्रदर्स बोल के चलो हाँ, चले भी जाएंगे। अंदर चले आना पड़ता पूरा जल्दी से। हर घर की पसंद पिस्ता हाउस, हर फैमिली की पसंद पिस्ता हाउस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।